एखादा फिल्मफेअर अवॉर्ड असावा अशा पद्धतीने. कला संस्कार इज फ्रॉम वर्सोवा. इट्स अ ग्रुप, अ कल्चरल ग्रुप विच इज अरेंजिंग द डांस, फोक डांसेस कॉम्पिटिशन्स. एंड द अर्लियर इन 1990s or 1980s year, Mr. Kale, he is having Tippa group. In that period, he was arranging every year all the folk dances competitions. So I really, really happy for Kala Sanskar group that he arrange once again that that again to show to everyone. I really happy for it. And for this occasion, Mr. Ajay Kaul sir, his presence is really, really appreciable for it. And I really thank you for it. जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कला संस्कार का एक कार्यक्रम है. नहीं, जैसे ये स्नेहा के पिताजी थे श्याम काले जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. ये उन्होंने काफ़ी स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी कोरियोग्राफी की और वो एक बहुत बड़ा अपने आप में नाम थे जहाँ पे डांस डायरेक्शन का संबंध आता था. और उनकी बेटी, शायद वो छुपा रही अपने आप से, वो अपने आप में बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है क्योंकि उसने मेरे ही स्कूल में काफ़ी प्रोग्राम्स किए, काफ़ी डांसेस किए हैं और अपने आप में बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है. और मुझे उससे यही उम्मीद है कि जो उसके पिताजी ने नाम कमाया वो उनके नाम को, उनका, उनके डैडी की पहचान तो है पूरी मुंबई शहर में, लेकिन वो उनके नाम को और आगे लेके जाएगी, ये मेरी उनसे अपेक्षा. मैम, ये भी जानना चाहेंगे कि आज कुछ परफॉर्म करेंगे आप यहाँ? दैट इज सरप्राइज फॉर यू. नॉट डेफिनेटली, बट आई एम शोइंग समथिंग विच इज श्रद्धांजलि और विच इज डेडिकेटेड टू माई फादर मिस्टर श्याम काले. सो लेट्स सी फॉर इट. जी सर. जी सर, ये भी जानना चाहेंगे कि एक कला का और एजुकेशन का कितना महत्व होता है बच्चों के लिए? मैंने कहा क्योंकि स्नेहा खुद मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, वो आपको बताएगी कि एजुकेशन क्षेत्र में खास करके हम 40 साल प्रिंसिपल रहे हैं और हमने हमेशा बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत प्रमोट किया. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग सर्वांगीण विकास कहते हैं बच्चों का, उसके लिए ये सारी कलाएं बच्चों में पैदा करना, उनमें ये रुचि पैदा करना, ये बहुत ही आवश्यक है. चाहे वो स्पोर्ट्स से संबंधित हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो. सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जब मैं देखता हूँ कि हर एक क्षेत्र में आप कुछ तो कुछ सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, हर एक चीज़ में आप सहयोग करते रहते हैं. सर, ये सारी जो अंदर से प्रेरणा आती है, इस जो उत्साह होता है, ये सर कहाँ से मिलती है? देखिए, जब मैंने मेरे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, जब जिसको हम लोग कहते हैं कि बीएड का कोर्स किया, तब मुझे मेरे बीएड चैप्टर का एक जो अध्याय है जिसे अपन चैप्टर कहते हैं, वो बहू को भी याद रहा. हमें ये सिखाया गया था कि जब स्कूल या इंस्टीट्यूशन, ये समाज से अलग नहीं रह सकता है, हर समाज का प्रॉब्लम डायरेक्टली कहिए, इनडायरेक्टली कहिए, ये बच्चों को अफेक्ट करता है. तो जो इंस्टीट्यूशन होता है वो समाज का एक हिस्सा ही बन के रहना चाहिए. तो जब जब समाज के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर कठिनाई की घड़ी आती है तो समाज ने एकत्रित होकर उनकी सहायता करना चाहिए. सर, मैं जब बात करता हूँ एकता मंच की, तो एकता मंच का जब नाम आता है तो एक विश्वास का नाम आता है कि लोग सोचते हैं कि इस पे विश्वास करना चाहिए. एकता मंच का कुछ कार्यक्रम आगे होने वाला है उस? एकता मंच के तो अनगिनत कार्यक्रम है जो चलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहा एकता मंच का कि किस प्रकार से ये इलाके में अमन, शांति और जातीय सलोका रखा जाए, इसके ऊपर हमारा काफ़ी ये रहता है. हम लोग कॉन्सेंट्रेशन हमारा इसी प्रोग्राम पर ज़्यादा रहता है. कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे अजय कौल सर? और सम्मान्य कई लोग यहाँ पर आए हैं, कितना ही शोभा बढ़ती है जब इतने बड़े लोग पहुँचते हैं इतने अच्छे इवेंट में. ये इवेंट हमने इस वजह से रखा है कि हम पूर्वजों से वर्सोवा कोलीवाड़ा जो डांस या कोली नृत्य के और कोली सॉन्ग जो हमारे होते, गाने होते कोली लोगों के, आज हमने हमारे सी शायर काशीराम चिंचय और श्याम काले जो डांस के माने जाते थे,
उनके वजह से बहुत वर्षों अगाव का नाम बहुत बड़ा आगे चले गया था हमारा। आज हमारी परंपरा 15-20 साल से पीछे रह गए, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है ये इवेंट करने का। हम कला संस्कार के थ्रू से अजय सर को लेके और कीर्तिकर साहब खासदार, असलम शेख माजी मंत्री, उनको लेके बहुत सारे मंत्री लोग, रमेश दादा जो है, और मैं, हमारे पूरा ग्रुप कला संस्कार, ये ऐसे सोच है हमारी कि हमारी कोली लोगों की परंपरा कायम ये मुंबई में नहीं पूरे भारत में हमारी रहे, ये हम चाहते हैं। सर, कला संस्कार जी का प्रवास है 25 वर्ष संदर्भात कला संस्कार ची परंपरा अशी आहे आमची। आम्ही पहिला सर्व ग्रुपनी एकत्र येऊन पहिला आम्ही मजा मस्ती केली, एक ग्रुप बनवायचा आम्ही विचार केला आहे। प्रत्येक पिकनिकला जाऊन आम्ही प्रत्यक्ष कुठे म्हणजे भारतामध्येच पिकनिका काढल्या। आमची हा ग्रुप नाही आमचा, बघायला गेले आमची फॅमिली आहे, आमची पूर्ण एक ग्रुप नाही आमची फॅमिली आहे। तसंच आम्ही एकत्रच राहतो, फॅमिली गावातलेच आमचे सर्व ग्रुपचे मुलं आहेत। ती आम्हाला जे अमाऊंट आलेली आम्ही कुठल्या तरी समाजाला आम्ही देऊन टाकतो, सामाजिक कार्याला देऊन टाकतोय। तसंच परत आम्ही नंतर रसिकेस अशी हे ठेवलेली स्पर्धा भरवलेली गावातलीच, तीही सुद्धा आम्ही आमच्या संदर्भात जी आम्हाला मदत येते ती आम्ही मंदिराला दिली। तसंच काही आम्हाला मदत येते ते आम्ही टाकतो, मेहनत आम्ही करतोय, पण आमच्या ग्रुपचं नाव राहिलं पाहिजे। आम्ही आमची ग्रुपच नाही आमची पूर्ण फॅमिली आहे असं आम्ही माझं धैर्य आहे सर।